चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। जिन्हें झूठ बोले कौवा काटे के आज के एपिसोड में बात करेंगे आंकड़ों का खेल, सरकारें कैसे खेलती हैं हमारे साथ। सबसे पहले धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से आज हमारे भारत को पूरे विश्व के मानचित्र पर उस जगह पहुंचा दिया है जहां हम आज तक नहीं पहुंचे थे। पर आज हम आंकड़ों से कैसे खेलते हैं, इस सरकार और प्रशासन ने हमें आज वह भी बहुत सिखाया है। लॉकडाउन के चलते कोरोना की गिनती को छोड़ दीजिए, वो भी क्या गिनती होगी, लेकिन इसमें चौथे लॉकडाउन से पहले हमें जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 10% ऑफ जीडीपी में दे रहा हूं, विश्व में किसी ने इतना नहीं बांटा जो हम बांट रहे हैं। और पर इतवार सोमवार से बढ़ती है सीतारमन जी कहती है और रविवार तक बांटती रहती है 20 लाख करोड़ का पैकेज, पर किसको क्या मिलता है वह किसी की समझ नहीं आता, किसी के पल्ले नहीं पड़ता, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाहकार आर्थिक सलाहकार हो कोई भी हो किसी के नहीं पड़ता। हकीकत में प्रधानमंत्री और हमारी ये फाइनेंस मिनिस्टर भी देख लें, अगर वह भी एक बार से राजनीति का रंग हटा दे तो वह भी नहीं समझ पाएंगे क्या कहा। सोशल मीडिया में फोटो बहुत वायरल हो रही है, इसमें दिखा रहे हैं जैसे आप एक खंबे से अगर आप समझ लेते किसका घर में किसको कनेक्शन हो क्या मिला है, अगर आप इतना समझ लीजिए सीतारमन जी का पैकेज आपको समझ आ गया। पर आज हम बात आपसे करने आए हैं आयुष्मान भारत स्कीम की, जिसके अंदर 12.5 करोड़ फैमिलीज रजिस्टर्ड है, लगभग 50 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 20 मई को सुबह 8:30 बजे ट्वीट कर दिया जिसके पीछे खूब तालियां बजी, एक के बाद एक ताली जैसे खूब बजती रहती है, एक बजाता है 130 करोड़ भारतीय तुरंत बजाना शुरू करते हैं, एक भेड़ कुएं में गिरती है सारी भेड़ें पीछे गिरने लगती हैं, हकीकत नहीं देखते। वैसे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई, मैंने 1 करोड़वें बेनिफिशियरी से बात की मणिपुर के अंदर। जी हां, उन्होंने बात करी थापा फैमिली में बीमार महिला से, लेकिन उन्होंने जैसे ही कहा कि ट्वीट पर मैंने आज 1 करोड़वें बेनिफिशियरी लाभार्थी से 1 करोड़वा बेनिफिशियरी से बात करी है, फटाफट ट्वीट पर ट्वीट शुरू हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री देते हैं, स्मृति ईरानी देती है, अमिताभ बच्चन देते हैं, अजय देवगन देते हैं, पता नहीं कितने लोग कितने सेकंड में देना शुरू कर देते हैं, तालियां बज जाती है। पर हम आज सवाल ये उठा रहे हैं, क्या वास्तव में प्रधानमंत्री ने सही कहा था इट वॉज द 1 करोड़ बेनिफिशियरी, क्या वह 1 करोड़वा लाभार्थी था या हकीकत में वह नहीं था। आज चैनल महालक्ष्मी की झूठ बोले कौवा काटे के अंदर यह रिपोर्ट आप देखिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के गरीब व कमजोर परिवारों के लिए 23 सितंबर 2018 को शुरू करी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने झारखंड की राजधानी रांची से। गजब की बात तो यह है कि सितंबर में स्कीम लॉन्च हुई और अगस्त में ट्रायल के दौरान करनाल में पैदा हुई करिश्मा को पहला लाभार्थी ही मान लिया गया। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित बीमा उपलब्ध कराया जाता है। अब तक लगभग 12.5 करोड़ ई कार्ड जारी हो चुके हैं, जिसमें से 4 के हिसाब से प्रति परिवार माने तो लगभग 50 करोड़ लाभार्थी हो जाते हैं। निश्चित ही है विश्व की सबसे बड़ी योजना है और इस सरकारी वेबसाइट पर लिखा है कि 1 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मिल चुका है और इस दावे की पुष्टि होती है 20 मई को किए गए ट्वीट से प्रधानमंत्री द्वारा, जिसमें उन्होंने लिखा कि हर भारतीय को गर्व है कि 2 वर्ष से भी कम समय में लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। मैं सभी लाभार्थियों व उनके परिवार वालों को बधाई देता हूँ। फिर प्रधानमंत्री ने मेघालय की आर्मी की पूजा थापा से बात की फोन पर और उसकी बात के समय यह ट्वीट किया जो आप देख रहे हैं 1 करोड़वें लाभार्थी के रूप में। जरा आप भी सुनिए उस बातचीत का एक छोटा सा अंश। मैं जब पहले देश में कहीं पर भी दौरा करता था तो मैं फिर जो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी होते थे जिनका ऑपरेशन हुआ है, बीमारी के लिए मदद मिली है, उनको बुलाता था और बुला करके उनको पूछता था कैसा हुआ, क्या हुआ, कोई पैसा देना पड़ा, नहीं देना पड़ा, कमी क्या है योजना में। लेकिन एक कोविड के कारण इन दिनों दौरा नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर, आपका तो आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई है। जी सर, आप 1 करोड़ पे पेशेंट है। जी सर, यानी अब तक आपके पहले जी जिन लोगों को इस आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, आपके ऑपरेशन के बाद ये संख्या 1 करोड़ पहुँच गई है। तो मैं दौरा करता था तो तब तो लोगों से मिलता था, लेकिन अब इन दिनों दौरा नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा 1 करोड़ वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण है और वो भी पूजा थापा जी से है और वो भी एक फौजी परिवार से है,
तो मुझे बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपसे फोन किया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया यह 1 करोड़वां लाभार्थी है। और प्रधानमंत्री की एक ताली पर फटाफट ताली बजाने वालों की एक लंबी श्रृंखला फिर शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने आधिकारिक वेबसाइट की गिनती को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री के दावे पर यूं ही मोहर लगा दी। फिर स्मृति ईरानी जी ने भी दोनों को एक साथ बधाई देने में एक क्षण की देर नहीं लगाई। 1.5 साल में लाखों जान बचाने के लिए दे दी हार्दिक बधाई। इसी कड़ी में जीपी नड्डा जी ने भी 1 करोड़ की गिनती पर बिना देखे बधाई देकर मोहर लगा दी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के विज्ञापनों से जुड़े अभिनेता कब पीछे रहते। पहले अमिताभ बच्चन ने प्रधानमंत्री मैसेज को रीट्वीट कर बधाई दी, तो वहीं आरोग्य ऐप का विज्ञापन कर रहे अजय देवगन ने भी स्वस्थ राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र होता है कहते हुए प्रधानमंत्री को बधाई दी। अब प्रधानमंत्री के दावे की सच्चाई जानने से पहले इतना और बता दें कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या प्रिंट मीडिया, सभी ने उसकी तत्काल पुष्टि कर दी। इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने तो ब्रेकिंग न्यूज के रूप में भी प्रमुखता दी, तो वहीं अखबारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा गया कि 1 करोड़ लोगों को मुफ्त और कैशलेस इलाज हुआ और गरीबों की 13,412 करोड़ रुपए की बचत हुई। लॉन्च होने के 20 महीने में 1 करोड़ लाभार्थी हो गए जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अब हिंदी क्या, अंग्रेजी क्या, सभी ने आंकड़ों से प्रमाणित कर दिया, पर हमारा सवाल जस का तस है। तब भी क्या प्रधानमंत्री ने देश के सामने सही आंकड़ा रखा कि 1 करोड़ लोगों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है आज तक। दावे को अपुष्ट सूत्रों से ले तो कोई भी झुठला सकता है, पर सरकारी दस्तावेजी उसकी सच्चाई पर अगर पर्दा उठाते हैं तो सभी को मानना पड़ता है। इसके लिए हमने आयुष्मान भारत की अधिकृत स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट को खंगाला। विभिन्न लाभों की सूचना के नीचे ये आंकड़े प्रधानमंत्री के दावों को झूठा साबित कर रहे थे। इनके अनुसार 1 करोड़ लाभार्थी नहीं, 1 करोड़ इलाज हुए हैं, यानी किसी ने 2 बार कराया, किसी ने 3 या 4 बार, वो गिनती इलाज से बढ़ती रही। और फिर आयुष्मान भारत योजना के CEO इंदु भूषण ने भी स्पष्ट कर दिया कि 1 करोड़ लाभार्थियों की नहीं, इलाजों की संख्या है ये। तो फिर प्रधानमंत्री महोदय ने गलत आंकड़ा क्यों दिया, सवाल यहां उठता है। क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह नहीं मालूम था कि हकीकत में लाभार्थी की संख्या तो काफी कम होगी। फिर हमेशा सजग रहने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन जी इस बार कैसे चूक गए, या जानबूझकर इसको दरकिनार किया गया। निश्चित ही है बेहतरीन योजना है, पर अभी भी दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल ने यह योजना लागू नहीं की है। सरकार कोरोना के इलाज के लिए भी इसके अंतर्गत दावे खूब कर रही है। जहां देश में कोरोना मरीजों की आंकड़ा 1.5 लाख को छूने वाला है, उनमें से 2500 से भी कम ही इसके अंतर्गत इलाज होना आंकड़ों की सारी खुशी को ठंडा करने के लिए काफ़ी है। आयुष्मान भारत में कई अन्य योजनाओं को भी शामिल कर लिया गया और प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। 1 करोड़वां इलाज करवाने वाली पूजा थापा किडनी में स्टोन का इलाज अपने अंतर्गत इसी के करवा रही है, जबकि उनके पति आर्मी में काम करते हैं और वो आर्मी अस्पताल में इलाज की बजाय इसके अंतर्गत इलाज करवा रहे हैं। वैसे आयुष्मान भारत स्कीम में केवल वो लोग ही इलाज करवा सकते हैं जो 2011 के सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस में वंचित तबके में आते हों। अब सवाल उठता है, पूजा थापा को इस योजना का लाभ क्यों और कैसे मिला। वैसे कुछ लाख फर्जी आयुष्मान कार्डों का भी खुलासा हो चुका है। पंजाब में 2 परिवारों के नाम पर ही 200 कार्ड बन गए, गुजरात में तो 1 परिवार के नाम पर 1700 कार्ड बना दिए, MP में भी 1 परिवार के नाम 322 कार्ड बनने का खुलासा हुआ था। फर्जीवाड़े में 171 अस्पतालों को पैनल से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। 4.5 करोड़ का कई अस्पतालों पर जुर्माना भी लगा। सबसे ज़्यादा कार्रवाई UP में 46 अस्पतालों पर हुई, तो वहीं गुजरात के किसी अस्पताल को बाहर नहीं किया गया। पर सवाल हमारा वही जस का तस है, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित कई जिम्मेदारों ने क्यों गलत आंकड़ा पेश कर वाहवाही लूटने में जल्दबाजी दिखाई। निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं, प्रधानमंत्री को गलत जानकारी दी गई क्या,
तो उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर यह आंकड़ा जानबूझकर दिखा गया तो क्यों? जवाब आप पर सुनते हैं, ढूंढिए इसका जवाब। आज एपिसोड में इतना ही, झूठ बोलेगी ये काटे में। आप भी अपनी प्रतिक्रिया और जानकारियां जरूर भेजिएगा हमें, जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पे 9916908233 पर। आप ईमेल भी कर सकते हैं info@dainikmahalakshmi.com या info@channelmahalakshmi.com पर। जी हाँ, अगली बार हम फिर आएंगे, आज मंडे वेडनेसडे को आएंगे, इसी टाइम पर इसी वक्त पर, लेकिन तब आपको दिखाएंगे मजबूर होते मजदूर की बातें, ऐसी महिला बालिका के बारे में जो 15 साल की अपने घायल पिता को 1200 किलोमीटर 7 दिन में पहुंचा देती है। पेट में कुछ खाने को नहीं पड़ता, दो दो दिन तक भूखा रहना पड़ता है, और वह कैसे जाती है, उसकी गूंज देश में नहीं विदेशों में पहुंच जाती है। ऐसी महिला जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाती रहती है और अपने सूटकेस को वह ऐसा झूला बना देती है जिस पर लटकता 5 साल का बच्चा जाने लगता है। मानवाधिकार की आंखें आंसू से नम हो जाती है, उसके छाती से भी धड़कने की आवाज गूंज उठती है। उनकी बात बताएंगे जो बैलगाड़ी के अंदर बैल की जगह खुद पिल पड़ता है, ऐसे हमारे मजदूरों की व्यथा को अगले एपिसोड बताएंगे आपके साथ। झूठ बोले कौवा काटे में फिर मिलेंगे। सादर जय जिनेंद्र।